नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। फिक्र आपकी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। शुरुआत हम करेंगे शो की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। प्रज्वल रेवन्ना ने भारत आने के लिए 7 दिन का समय मांगा। HD देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के वकील ने दी जानकारी। प्रज्वल रेवन्ना जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा, यौन शोषण केस में जांच टीम के सामने आज पेश होना था। अमेठी रायबरेली पर कल शाम तक हो सकता है फैसला। कल कर्नाटक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। रैली के बाद दोनों के बीच सीटों पर अंतिम बातचीत होगी, सूत्र ये बता रहे हैं। BRS नेता के चंद्रशेखर राव के प्रचार पर रोक। चुनाव आयोग ने 48 घंटे के लिए लगाया बैन। KCR आचार संहिता उल्लंघन के दोषी पाए गए। बिहार की राजधानी पटना में राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गई। राजभवन में बम होने का ईमेल मिलने के बाद अलर्ट। ईमेल का सोर्स पता करने में जुटी पटना पुलिस। दिल्ली स्कूल धमकी मामले में एडवाइजरी जारी। शिक्षा निदेशालय की स्कूलों को एडवाइजरी। ईमेल आईडी पर आए मैसेज की समय पर जांच हो, शिक्षा निदेशालय ने ये बात कही है। भारत में झारखंड कांग्रेस का एक्स हैंडल सस्पेंड। गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो पोस्ट किया था। कानूनी कार्रवाई की मांग के बाद हैंडल सस्पेंड किया गया। कुणाल घोष को TMC ने महासचिव पद से हटाया। पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप। कुणाल घोष ने कहा, पार्टी ने नहीं हटाया, खुद छोड़ा पद। सलमान खान फायरिंग केस के आरोपी अनुज थापन ने की खुदकुशी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की कस्टडी में फांसी लगाकर दी जान। अनुज थापन पर हथियार मुहैया करवाने का आरोप था। GST कलेक्शन में रिकॉर्ड उछाल। अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपए पहुंचा कलेक्शन। पहली बार GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया।